दर्शकों, हमारे श्रीमन्नारायण ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं धनु राशि वालों के लिए 2021 में कैसा रहेगा यह पूरा वर्ष। प्रिय दर्शकों, धनु राशि के ऊपर शनि की साढ़े साथी पैरों पर चलती रहेगी, जो कि बहुत भाग दौड़ कराती है। शनि इस वर्ष लोहपात से आपके पैर पर रहेंगे, गुरु स्वर्णपात से आपके द्वितीय और तृतीय स्थान में विराजमान रहेंगे। 5 अप्रैल तक द्वितीय में रहेंगे, उसके बाद तृतीय में आ जाएंगे। राहु केतु लोहपात से आपके शत्रु और खर्च पर विराजमान रहेंगे। 5 अप्रैल 2021 तक गुरु मकर राशि में रहेंगे, 6 अप्रैल से 29 सितंबर तक गुरु कुंभ राशि में आ जाएंगे, 30 सितंबर से 10 नवंबर तक गुरु वक्री पुनः मकर राशि में आएंगे और 11 नवंबर से गुरु मार्गी होकर के कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि धनु राशि के किन किन ग्रहों पे कौन से ग्रह बैठे हैं और इसका क्या फल अच्छा होगा क्या खराब होगा। धनु राशि के द्वितीय स्थान पर ही शनि स्वगृह विराजमान है। द्वितीय स्थान कुटुंब धन का है, जिसमें धन और कुटुंब की विशेष वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी। वहां बृहस्पति 5 अप्रैल तक विराजमान है। घर में कोई विशेष शुभ कार्य हो सकता है, कुटुंब के साथ मिलकर कोई नई योजनाएं रणनीति तैयार हो सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके माता भूमि भवन पर होने की वजह से माता को थोड़ी शारीरिक पीड़ा हो सकती है, लेकिन भूमि भवन वाहन से आपको सफलता मिलेगी। आप कोई मकान गाड़ी इत्यादि लेना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ले सकते हैं आप। शनि की सातवीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान आयु स्थान पर होने की वजह से आयु की वृद्धि है, इसमें आत्म तत्व का लाभ होगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गुप्त जानकारियां भी आपको प्राप्त होंगी, मन प्रसन्न रहेगा। बस आपके हड्डियों में भी आपको दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा हड्डियों में दिक्कत आएगी, आप सावधानीपूर्वक रहें। शनि की दसवीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर उच्च दृष्टि पड़ रही है, जिसमें जबरदस्त आपको लाभ होगा, कई रुके हुए कार्यों में सफलता आपको मिलेगी, कई मनचाहा फल आप बहुत दिन से सोच रहे हैं वो आपका हो जाएगा। किसी मित्र से माता पिता के आशीर्वाद से आपको विशेष लाभ हो सकता है, या आप ही अपने कर्मों के द्वारा उस चीज को अर्जित कर सकते हैं। शनि सुग्री धन स्थान पर होने से और उनकी दृष्टि दसवीं लाभ स्थान पर होने की वजह से, यानी धन और लाभ का संबंध होने की वजह से जबरदस्त यह वर्ष पैसे के लिए बहुत अच्छा जाएगा, आपका पैसा खूब रहेगा। लेकिन बस खर्च पे कंट्रोल करनी है आपकी, क्योंकि खर्च पे केतु बैठे हुए हैं, खर्च पे विशेष कंट्रोल करना है आपको। जितना चादर हो पैर उतना ही फैलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, तब आपका यह वर्ष अच्छे ढंग से संभला रहेगा। क्योंकि पैसा तो आ रहा है इस वर्ष में, लेकिन खर्च भी तो एक तरफ बहुत तेज बढ़ रही है, इसलिए थोड़ा यहाँ कंट्रोल करना है। बृहस्पति 5 अप्रैल तक शनि के ही साथ रहेंगे, जो कि कुटुंब से अच्छी सफलता मिलेगी, सेहत का सही रहेगा, पद प्रतिष्ठा बिजनेस में सफलता मिलती रहेगी। 5 अप्रैल के बाद बृहस्पति आपके तृतीय स्थान में आ जाएंगे, जो मित्र का है, पराक्रम का है, भाई का है, मित्रों से लाभ होने लगेगा। मित्रों के माध्यम से सलाह किए हुए कार्यों में सफलता मिलेगी, भाई से लाभ होगा, या आप किए हुए कार्य जो अभी तक कर रहे थे नहीं हो रहा था वो सफल होगा। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि पत्नी पर है, अगर आपका कोई विवाह इत्यादि रुका हुआ है तो 5 अप्रैल के बाद पूरा योग बन रहा है, हो जाएगा। प्रेम संबंध चल रहा है तो उसमें सफलता मिलेगी, अगर आपकी संतान की शादी रुकी हुई है तो सफल होगा। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होने की वजह से भाग्य पूरा आपका साथ देगा, पूरे वर्ष भाग्य साथ देता रहेगा, पूरे वर्ष धर्म आप करते रहिए, भाग्य साथ देता रहेगा, बड़ों का आशीर्वाद गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहना है। बृहस्पति की नवीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर रहेगी, जो कि अच्छी सफलता मिलेगी, चतुर्मुखी विकास होगा आपका, हर क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। बृहस्पति की लाभ पर दृष्टि, जहां बृहस्पति की दृष्टि बढ़ती है वहां अमृत हो जाता है, इसलिए आपका यह पूरा वर्ष बृहस्पति लाभ देता रहेगा। हम आपको बताते हैं कि राहु आपके कष्टम में है, शत्रु पर विजय मिलेगा, शत्रुहंता योग है इस वर्ष, जो भी शत्रु आपका नुकसान करना चाहेगा खुद उसी का नुकसान हो जाएगा। आपका अगर मुकदमा इत्यादि चल रहा है तो उसमें आप सफल होंगे इस वर्ष, शत्रु पर विजय मिलेगा, सफलता मिलेगी। रोग, थोड़ी सी रोग पे सावधानी बरतना है, पेट या पैरों की दिक्कत आपको आ सकती है,
नेत्र की भी दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है, इस पर आपको ध्यान रखना है। बाकी सब तो नित्यात्म सफलता मिलेगी और कई रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगा। राहु की पांचवी दृष्टि पद प्रतिष्ठा पर है, थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा पर सावधानी बढ़ते उसके बाद सफलता मिलेगी। अगर कोई बिजनेस नौकरी आप तुरंत निर्णय लेने से पहले विचार करके ही निर्णय ले तो सफल होंगे। राहु की सातवीं दृष्टि खर्च पर है, इसलिए घर के ही कार्यों में, आपके घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है उसमें बहुत तगड़ा खर्चा हो सकता है, मकान ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, घर में कोई शुभ कार्य विवाह शादी हो सकता है इसमें अच्छा खर्चा होगा। राहु की नवीं दृष्टि कुटुंब पर होने की वजह से यदा कदा कभी कभी कुटुंब में अनबन की भी संभावनाएं बन सकती हैं लेन देन को लेकर के, इसीलिए परिवार में लेन देन करें तो थोड़ा विचार करके करें, क्रोध न ले आए तो आपका यह बहुत अच्छा जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह पूरा वर्ष आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, ज़्यादातर हर प्रकार सफलता मिलेगी। यह पूरे वर्ष में आपका लग्नेश बृहस्पति है जो कि 5 अप्रैल तक धन में और 5 अप्रैल के बाद पराक्रम में आएंगे। आपको पूरा वर्ष सात्विक रहना है, नॉनवेज का प्रयोग नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन पूरे वर्ष नहीं करना है, नहीं तो आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, निद्रा नहीं आएगी, पत पत्नी से आपस में तालमेल खराब हो सकता है, धन आप इकट्ठा नहीं कर सकते, बैंक बैलेंस नहीं बना सकते और मित्रों से भी धोखा हो सकता है अगर आपने नॉनवेज का प्रयोग किया तो, इसलिए आपको नॉनवेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए तो पूरा वर्ष अच्छा जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि जनवरी के महीने में धन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह पूरा महीना। जनवरी में नेत्र में थोड़ा कष्ट हो सकता है, कुटुंब से थोड़ा अनबन की संभावना बन सकती है, लेकिन धन का लाभ होगा, आपको अच्छी सफलता मिलेगी, मनचाही फल मिलेगा, बस थोड़ी सी कुटुंब से आपसी तालमेल बनाकर रखिए। बस फरवरी के महीने में पराक्रम से सफलता मिलेगा और मित्रों से सहयोग मिलेगा। आप इस महीने में कोई भी बड़ा पराक्रम करिए आपको लाभ होगा। हम आपको बताते हैं मार्च के महीने में भूमि भवन वाहन नौकर चाकर सबसे सुख मिलेगा, हर जगह ख्याति होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा समाज में, कोई परीक्षा देना तो सफल होंगे, आपका अगर संतान कोई परीक्षा दे रही है तो सफल होगी। अप्रैल के महीने में माता पिता और पुत्र से लाभ के पूरा योग दे रहे हैं, उसमें माता पिता की सेवा करें, माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त करें, अगर पुत्र के योग बनाना चाहते हैं तो अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल के महीने में सूर्य उच्च के रहेंगे आपके, जो कि पंचम स्थान पर रहेंगे, अगर कोई संतान परीक्षा देती है या आप कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उस महीने में 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में अच्छा समय जाएगा। हम आपको बताते हैं मई में कोई सोच समझ कर निर्णय ले तो आप सफल रहेंगे और मित्रों से लाभ होगा, भाई से सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा। जून के महीने में मुकदमे में परेशानी, मुकदमे संबंधी अगर आपका चल रहा है तो उसमें खर्च बढ़ सकता है, मुकदमा से सावधानी बरते और कोई मुकदमा अगर करना है तो इस महीने में न करें, नहीं तो आपको खर्च अधिक हो सकता है। इसमें झगड़े से आपको बचना चाहिए, बड़ा सोच समझ करके कोई निर्णय लें। अब हम आपको बताते हैं कि जुलाई के महीने में आपको क्या रहेगा। जुलाई के महीने में पेट से दिक्कत आपको आ सकती है, पेट संबंधी दिक्कत आ सकती है, इसलिए खान पीन का विशेष परहेज करें और पैरों में भी दर्द हो सकता है, आप योगा करें, कसरत करें तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि अगस्त के महीने में पिता को कष्ट हो सकता है, पिता को शारीरिक पीड़ा हो सकती है और विदेश यात्रा के आपके योग बन सकते हैं। विदेश यात्रा अगर आप जाते हैं अगस्त के महीने में तो आपको लाभ होगा और मनचाही सफलता मिल सकती है। सितंबर के महीने में नौकरी और व्यवसाय से लाभ होगा, कोई बिजनेस इत्यादि आप आरम्भ करना चाहते हैं तो उसमें अच्छी सफलता मिलेगी। यह महीना नौकरी धन के मामले में बहुत अच्छा रहेगा आपका। अब हम बताते हैं अक्टूबर के महीने में पद प्रतिष्ठा और धन का लाभ होगा, इसमें आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगा, कोई धार्मिक कृत करने के अवसर आपको मिल सकते हैं, कोई धर्म कार्यों में खर्च भी आपका हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं नवंबर इस महीने में महत्वाकांक्षी योजनाओं में अपार सफलता मिल सकती है, घर में कोई शुभ कार्य विवाह शादी की योजना बन सकती है या हो सकती है। नवंबर के महीने में कोई बड़ी बड़ी सफलताएँ मिलेंगी, कोई बड़ा निर्णय लेना है तो यह महीना आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। पूरे 12 महीने में नवंबर का महीना कोई बड़ा निर्णय के लिए बहुत अच्छा माना गया है आपके लिए। दिसंबर के महीने में निरर्थक खर्च से आप बचें और शारीरिक पीड़ा पेट इत्यादि का ध्यान रखें। प्रिय दर्शकों,
यह पूरा वर्ष आपको नॉनवेज का प्रयोग एकदम नहीं करना है, सात्विक रहना है। आपको केसर का तिलक लगाना है, बृहस्पतिवार के दिन केले का दान करें, केसर का तिलक लगाएं, केला न खाएं। और अगर आप एक पाठ प्रतिदिन विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, प्रतिदिन एक पाठ विष्णु सहस्र नाम का अगर पाठ करते हैं तो यह साल पूरा साल आपका अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नॉनवेज मांस मदिरा का सेवन एकदम दूर रहिए और यह साल अच्छे ढंग से बीत जाएगा। प्रिय दर्शकों, समय चैनल पर समय का अभाव रहता है, इसलिए हम आपको अधिक जानकारी नहीं दे सकते। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आशा करते हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको लाभ हो, कोई भी वीडियो हम डालें आपको सफलता मिले। जैसा भी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है आप कमेंट किया करिए तो पूरी आपको जानकारी दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रीमन्नारायण।